मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर हैं। शनिवार को अमित शाह ने झारखंड के चाईबासा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। साथ ही आदिवासियों के लिए गृह मंत्री ने बड़ी बातें कहती हैं। गृह मंत्री ने कहा, सीएम तो आदिवासी राज्य के हैं, लेकिन उन्होंने आदिवासी के लिए किया क्या है? इस राज्य में सिर्फ भ्रष्टाचार है। राज्य में युवाओं, माताओं, बहनों के साथ धोखा किया जा रहा है। यहाँ तक कि खाद्यान्न, रोजगार, शिक्षा के नाम पर उनके साथ छल किया जा रहा है। अमित शाह ने आगे कहा, झारखंड के घुसपैठियों से आदिवासियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की है कि नहीं? हेमंत सोरेन भाई, अब आपको सब जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासियों की रक्षा, उनके भविष्य के साथ आपने जो खिलवाड़ किया है, यहाँ के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। जब रघुबर दास को पूर्ण बहुमत मिला तो हमारी सरकार ने शिक्षा, सड़क, बिजली की परियोजनाएं शुरू कर दी, लेकिन फिर एक ऐसी सरकार आई जिसने झारखंड को बर्बाद कर दिया। क्या हेमंत सरकार अटल जी द्वारा बिहार के अलग राज्य के कल्याण के लिए काम कर रही है, लंबित मांगों को पूरा कर रही है? गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए उनसे वहां की जनता की तरफ से कई सवाल किए। अमित शाह ने कहा, झारखंड में नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा गया, शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ धोखा हुआ, जनजातीय समुदाय को कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर हमेशा से धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने सोरेन सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, अगर युवाओं को नौकरी देने की हिम्मत नहीं है तो कुर्सी ही खाली कर दो, हम झारखंड में नौकरी देने का काम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा में आयोजित विजय संकल्प महारैली के मंच पर पहुंचे, जहां से उन्होंने जमकर हेमंत सोरेन पर तीखे हमले किए। अमित शाह के मंच पर आते ही उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। जब अमित शाह मंच पर पहुंचे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, झारखंड में आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दामन आदिवासियों के खून से सने हैं। वो जोहार यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा, कोल्हान से ही विजय के लिए उलगुलान होगा। बताते चले, अमित शाह को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग पैदल ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए लोगों को लगभग 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी फिक्र किए बगैर अमित शाह को सुनना ज्यादा बेहतर समझा। दूर दराज से आने वाले कार्यकर्ताओं की गाड़ी को कार्यक्रम स्थल से 2 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। मगर उसके बाद में यहाँ पर एक ऐसी सरकार आई जिसने झारखंड को तबाह कर रख दिया। आज मैं पूछना चाहता हूं, अटल जी ने जिस कल्पना के साथ झारखंड को बिहार से अलग कर सालों पुरानी झारखंड की अलग राज्य की मांग को पूरा किया, क्या हेमंत सोरेन सरकार उसके कल्याण के लिए काम कर रही है? भाई जरा जोर से बोलिए, कर रही है? इस राज्य का मुख्यमंत्री तो आदिवासी है, इस राज्य का मुख्यमंत्री तो जनजाति का है, मगर ये सरकार आदिवासियों की विरोधी सरकार है। मित्रों, विरोधी सरकार। इस सरकार के समय में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। इस सरकार के समय में बिचौलिए, दलाल और आदिवासियों के जमीन हड़पने वालों के समय आ गए। आज मैं झारखंड के मेरे जनजातीय भाइयों को कहने आया हूं, एक उस बेटियों से आदिवासी माता बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की है या नहीं है? क्या वो पूरी कर रहे हैं? अरे हेमंत भाई, कान खोल कर सुन लो, अब सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो, झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। और उसका ट्रेलर 24 के चुनाव में ही मालूम पड़ जाएगा। मालूम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा भाई? क्या होगा सिंहभूम में बताइए,
कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा? लक्ष्मण गिलवा जी को आपने जिताया था, गिलवा जी अब नहीं रहे हैं, मगर मैं आज आपके पास आया हूं कि 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिंहभूम से एक कमल लेकर दिल्ली भेज दीजिए भाई, हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे।